मुझे बड़े खुशी हुई है कि राजस्थान ये देश में ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे सबसे बड़ा राज्य में हमारे किसान भी उतने ही मेहनती है और राजस्थान ये शौर्य के लिए देश के हिफाजत के लिए लड़ने वाले हमारे बहादुर सभी लोग यहां है। मैं समझता हूं कि ऐसे विशाल सम्मेलन किसानों का पहली बार हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन ये किसान हमेशा खास करके हमारे पुरुष लोग, उनका प्रभाव हर मीटिंग में रहता है। आज भी देखिए, हमारे माताएं पीछे बैठे हैं, सारे पुरुष आगे बैठे हैं। कम से कम एक लाइन उनको, एक लाइन आप लेते तो बहुत अच्छा लगता था। तो यही हमारी कभी कभी कमजोरी होती है, लेकिन इस स्त्री और पुरुष को इकट्ठा लाना, समानता के दृष्टि से देखना, यही कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा काम पहले से भी हुआ है और आगे भी होगा। दोस्तों, ये 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट और दूसरी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 223 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। हमें विश्वास है कि ये सब योजनाएं समय पर पूरा करने और इनका लोकार्पण करने के लिए आप दोबारा कांग्रेस सरकार को फिर से राजस्थान में लाएंगे। ये राजस्थान महान हस्तियों का देश है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप हो, भामा शाह हो, सभी इस धरती पे जन्म लेकर अपना पराक्रम दिखाए हैं और देश के रक्षा के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी भी की है। भीलवाड़ा के विकास में कांग्रेस का भी योगदान है। जब यहां तो एक तो टेक्सटाइल वर्कर्स का और टेक्सटाइल काम का बहुत बड़ा देन है देश को। यहां पर मुझे याद है जब जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, जब जोशी जी केंद्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस वक्त मुझे यहां पर बुलाया गया था कि मेमो ट्रेन का एक फैक्ट्री बनाने के लिए मैं और श्रीमती सोनिया जी यहां पर आए थे और उसका बुनियाद हमने डाल के गया था, लेकिन वो पत्थर वहीं रह गया। इसीलिए कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, ये कहीं किसी को ऊपर आने नहीं देती। और जो कांग्रेस ने पहले किया है उसको मिटाने में
वो खुशी मानते हैं। जो जो चीजें हमने की है उसको वहीं रोक दिए और वो जो नए नए स्कीम कहकर ला रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनके पास न प्लानिंग है, न गरीबों के लिए काम करने का हौसला है, न गरीब के लिए कुछ नए नए योजनाएं लाने की उनकी फितरत है। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते जाएंगे। और हमने क्या नहीं किया, बार बार हमको पूछते कि भाई 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अब इधर इधर 53 साल बोल रहे हैं, वो भूल गए 70 साल। तो 53 साल में आपने क्या किया, ये बात हमसे पूछते हैं। अरे राजस्थान में आजादी आने के बाद भू सुधारना, लैंड रिफॉर्म्स किसने लाया, किसने लाया बोलिए। जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको मालिक किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाया। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे हर काम है। लैंड रिफॉर्म्स यहां पर हुआ, उसी के साथ साथ यहां पर जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे उन सब की तनख्वाह भी बंद कर दी इंदिरा गांधी, और गरीबों के लिए बैंकों के रास्ते भी खोल दिए। यह है कांग्रेस का काम। आप लोगों के पास कोई हिम्मत नहीं है काम करने का। कहीं भी जाओ, परिवारवाद परिवारवाद। क्या है परिवारवाद, किसके लिए बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी एक धैर्य से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, 4,500 किलोमीटर चले, चल के लोगों के दुख दर्द को समझे। उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीब आए, किसान आए, मजदूर आए, विद्यार्थी आए, महिलाएं आए, और अनेक लोग उसमें शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा शायद भारत में पहले कभी यात्रा हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी, इतना बड़ा राहुल गांधी ने कदम उठाकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now